हेलो दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति कुमार भगवान और आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नॉलेज। दोस्तों ये मेरा नया चैलेंज है। मैंने रिसेंटली दो वीडियो अपलोड किए हैं। मैं आपको जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है या न्यू व्यूअर्स है उनको बता दूँ इस चैनल्स के बारे में। मैंने चैनल आपके लिए जो मेरे इंजीनियर्स दोस्त हैं, इंजीनियर भाई लोग हैं और जो भी इंजीनियर्स कर रहे हैं बीटेक भी एमटेक, जो भी इंजीनियर की फील्ड में है और जो भी कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जानना चाहता है उनके लिए है। अब हम कॉलेज में तो हम सब कुछ पढ़ ही लेते हैं पर रियल प्रैक्टिकल रियल इंडस्ट्री में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी चैनल के थ्रू जो मेरे रियल इंडस्ट्री में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से जो आप कॉलेज में पढ़े हो, कौन सी चीज़ आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होती है वो प्रैक्टिकली मैं आपको रियल में दिखाने वाला हूँ। वही मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा जो इंडस्ट्री में रियल यूज होती है। वो टॉपिक में आपको एक देखो टॉपिक का नाम मैं लूंगा, मैं थोड़ा बहुत डिटेल्स बताऊंगा, गूगल में जाओगे सर्च करोगे बहुत कुछ मिल जाएगा। पर मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताऊंगा इस चैनल के थ्रू। तो दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो में लाते रहूंगा। जो मैं आज का टॉपिक है, मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है फाइव एस। होता क्या है? ऑलरेडी मैंने अपने स्क्रीन पे डेफिनेशन दे सकी है, पढ़ लीजिए। डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क प्लेस एंड इम्प्रूव योर मैनेजमेंट। मीन्स जहाँ आप काम कर रहे हो वो एरिया साफ रहेगा, अच्छा रहेगा तो ही आपको काम करने का मजा आएगा। कुल मिला के मैं तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ फाइव एस होता क्या है। सपोज भी आप कहीं काम कर रहे हो, अगर आपकी एरिया गंदा होगा तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये जो फाइव एस है हमें यही चीज सिखाता है, जहां आप काम करते हो अपना एरिया बहुत अच्छा रखो। उससे क्या क्या फायदे हैं मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ फाइव एस। ओके, पर मैं आपको टुडे आई विल टेल यू द व्हाट इज फाइव एस फर्स्ट, देन हाउ इम्पोर्टेंट टू इंडस्ट्रीज एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है। ये जापानीज में फाउंड हुआ था, टोयोटो सिस्टम में चालू किया था। जो टोयोटो कंपनी है, जो कार मैन्युफैक्चर सबसे बिगेस्ट कंपनी है, उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी मेंटेन जस्ट फाइव एस से होती है। अब कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाओ, जापानीज में चले जाओ या जर्मन में चले जाओ या कोई भी, बिना फाइव एस की आपकी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब मैं एक सिंपल सी कहना चाहता हूँ, अगर आपको फाइव एस का नॉलेज है, थोड़ा भी फाइव एस का नॉलेज है, तो आप थोड़ा इंडस्ट्री में एक कदम आगे जा सकते हो। जैसे कि आप फ्रेशर्स हो, अगर आप इंटरव्यू देने गए, अगर आपके इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज फाइव एस, अगर आपने फाइव एस के बारे में बता दिया एज ए फ्रेशर हो, फाइव एस के बारे में बता भी दिया, तो आपके चांसेस है 50% सिलेक्ट होने के। दोस्तों तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि फाइव एस टॉपिक आप क्लियरली पढ़ ले, और नहीं समझ आ रहा तो मैंने अपने एक वेबसाइट बनाई है जिसका मैंने अपने लिंक दिया है, उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है क्या टाइप में कितने टाइप के होते हैं फाइव एस। नॉर्मल इस वीडियो में तो मैं आपको बता ही रहा हूं, पर मैंने आपको जैसे ही अपने शुरू में चैनल में कहा है कि मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट है और गूगल है, आप पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ टॉपिक दूंगा, उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा और क्या जरूरी है इतना ही बताऊंगा। दोस्तों बाकी आपको पढ़ना है गूगल है और मेरी एक वेबसाइट भी है, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पे जाइए और वेबसाइट खोलिए, उससे भी आप पूरा फाइव एस के बारे में पीपीटी मिल जाएगी, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और गूगल तो है ही अपना गूगल बाबा दोस्तों। तो दोस्तों जापानीज में फाइव एस के 5 स्टेप दिए गए हैं। तो पहला स्टेप है, मैं आपकी स्क्रीन में पहले दिखा देता हूँ, ये है जापानीज वर्ड जिसको फाइव एस बोला जाता है। पहले आप देखते हो सेरी, सेटोन, सेसो, सेलकेत्सु, शित्सुके, ये 5 वर्ड है फाइव एस के जो जापानीज में शुरू होते हैं। इसका मैं हिंदी में आपको इंग्लिश में मीनिंग भी बताऊंगा कि क्या मीनिंग होता है। जो फर्स्ट है सेरी, मैं आपका पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में फाइव एस क्या क्या बोला जाता है। पहले आता है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइंस, स्टैंडर्ड्स, सस्टेंस। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट जो पहला वर्ड है सीरी, सीरी मीन्स अपने इंग्लिश में बोला जाए तो सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स जहां पे आप काम कर रहे हो तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको सॉर्ट करके रखिए। मीन्स मुझे अगर मैं
किचन में हूँ, मुझे चाय बनानी है दोस्तों, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मिर्ची अपने पास नहीं रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो चीज मुझे जरूरत है, चाय, चीनी, दूध, वो सारी चीज मैं अपने पास रख लेता हूँ दोस्तों। तो मैं क्या एक शॉर्ट ऑर्डर में रख रहा हूँ ताकि मुझे इजी पता चल जाए कि ये चीनी यहाँ पे है और चाय यहाँ पे है। या सपोज आपने चाय रखी, दूध भी डाला, अगर आपको पता ही नहीं चीनी का, चीनी ढूंढने गए तो क्या वहां पे चाय जल जाएगी या दूध जल जाएगा, पानी जल जाएगा, जो भी आप बोलो, जो भी डाला है आपने। तो पहले चीज में शॉर्ट का मीनिंग यही है, जो जो आपकी काम की चीज है उसको सेट के ऑर्डर में रखिए, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट। दूसरा आता है सेट इन प्लेस। ओके, एक प्रॉपर प्लेस में रखो। प्रॉपर प्लेस में बोले तो एक लोकेशन बना के रखो कि मेरे को चाय की पत्ती यहाँ है तो आप यहीं पे रखोगे, दोबारा उठा के उसी चीज पे रखना है, यहाँ से ले तो यहाँ पे रखना है। अगर दूसरी जगह वहां पे तुमने रख दिया चीनी, तो इससे दो बेनिफिट है, आप इजीली अगर आप उठ के भी जाओगे नींद में तो भी आपको पता चलेगा मेरी चाय की पत्ती यहाँ पड़ी है। अब कोई बंदा तीसरा थर्ड पर्सन जाएगा उसको भी आप बता सकते हो कि मेरी यहाँ पड़ी है, पर आपको लोकेशन ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे। तो दूसरा 5S 2S है वो ये कहता है, थर्ड है वो साइंस। साइंस आप बोले तो, साइंस बोले तो चमकाना, साफ सुथरा रखना। अगर आपका चाय का डिब्बा और चीनी का डिब्बा गंदा होगा तो चांसेस है ना चाय खराब होने के, मतलब लुक में भी अच्छा नहीं लगेगा, काम करने का आपको मन ही नहीं करेगा, चाय बनाने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों यही है साइंस। और स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कुछ क्वांटिटी में स्टैंडर्ड रखो। मेरे को अगर यहाँ पे आपके रखने की जगह दो केजी चाय रखने की जगह है और आप रख रहे हो 4 केजी चाय, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना। तो स्टैंडर्ड बना के रखो कि मेरे को 2 केजी चाय, 3 केजी टी, 3 केजी ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब जाके बोलते हैं 4S। और लास्ट है जो सबसे वो है सस्टेन। सस्टेन क्या होता है, सस्टेन ये चारों चीज मैंने आपको बताई है 4S, जितने भी 4S बताए, 1S 2S 3S 4S, उसको सस्टेन करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन करा और भूल गए, आज भी फुल फॉलो करना है, सेकंड डे भी फॉलो करना है, थर्ड डे भी फॉलो करना है और फिफ्थ डे भी फॉलो करना है। जितनी देर भी आप चाय बनाओगे ये रूल हर हमेशा फॉलो करना है, तो आप देखोगे कि आपका किचन साफ सुथरा रहेगा, जल्दी से आप चाय बना पाओगे सब। तो बस मैं कुल मिला के आपको इंडस्ट्री में यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप अब तक तो आप मेरे एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि 5S होता क्या है। 5S वही होता है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हो उसमें आप 5S लगा दिया तो आपके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पहले तो आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, जो आप पहले चाय बनाने में 5 मिनट लगाते थे आप 2 मिनट लगाते हो, क्योंकि हर चीज आपको आसानी से मिल रही है। दूसरी चीज क्या है, टाइम बचा सकते हो, जो पहले 10 मिनट लगता था आपको अभी 5 मिनट लगती है चाय बनाने में। तो ये सारे 5S के रूल्स है और समझ सको तो 5S है। तो दोस्तों मैं आज आपको यही समझाना चाह रहा था दोस्तों। अगर आपको और कुछ भी जानना हो 5S के बारे में तो मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, उसको मुझे मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा 5S पे और पूरे डिटेल के अंदर आपको 5S के बारे में बताऊंगा दोस्तों। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।